खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और अब एक ऐसी खबर जो वर्ल्ड कप और कर्नाटक के राजनीतिक शोर में कहीं दब गई। यह खबर देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से आई है। यहां एक मुस्लिम व्यक्ति को उसके पड़ोसियों ने सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि वो रामायण की चौपाइयां गाता था। इस वारदात पर पूरे देश में चुप्पी छाई है। यहां यह सवाल है कि झारखंड के तबरेज अंसारी की पिटाई में एजेंडा खोजने वालों के मुंह में अलीगढ़ के दिलशेर की पिटाई पर क्यों ताले लग गए। मास्टर स्ट्रोक में जिस सेलेक्टिव एजेंडा की हमने बात की या हम बात करते हैं वो एक बार फिर अलीगढ़ की इस खबर में दिखाई दे रहा है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखें, उससे पहले 5 हेडलाइंस देख लीजिए। अलीगढ़ में 55 साल के दिलशेर के साथ दबंग पड़ोसियों ने मारपीट की, रामायण का पाठ करने से नाराज थे। दिलशेर अपने घर के अंदर रामायण का पाठ कर रहे थे, दबंगों ने घर में घुसकर पीटा, हारमोनियम भी तोड़ा। 55 साल के दिलशेर मुसलमान हैं, लेकिन पिछले कई सालों से रामायण और भगवद गीता का पाठ करते हैं। दिलशेर का ये दावा है कि रामचरितमानस के कई कांड उनको मुंह जुबानी याद है, परिवार को कोई आपत्ति इसमें नहीं है। दिलशेर की शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों लोगों को स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम रघुराई श्री राम जिनकी घर घर में आराधना पूजा हो रही है, जब राजमहल के आभूषण उतारे और तब से भेष किया तो रामायण आपने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, लिखने वाले ने क्या लिखा कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, क्योंकि रामायण ने एक चीज खोल दिया है कि सूर्य मुनि नरसिंह की यही रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हम और आप तो इंसान है, देवताओं ने भी मतलब को पहचाना। गले में भगवा गमछा लिए चौपाइयां गा रहे ये कोई भागवत सुनाने वाले व्यास नहीं है, बल्कि इनका नाम है दिलशेर। धर्म से मुसलमान है लेकिन रामचरितमानस और भगवत गीता कंठस्थ है। कि मैं 79-80 से रामायण पढ़ता हूँ, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। 6 कांड में किसी टाइम में, और आज भी थोड़ा बहुत नहीं तो बंद करके पढ़ देता हूँ मैं, जहाँ से राजा प्रताप भानु का जन्म और रावण के मरण तक। दिलशेर का रामायण के प्रति यही लगाव इलाके के कुछ मुसलमानों को रास नहीं आया और उन्होंने उसे न सिर्फ धमकाया बल्कि पीटा भी और उसका हारमोनियम भी तोड़ दिया। जब मैं रामायण खोल के वहाँ बैठी तो वो लोग जो है मुझे 3 बार धमकी दे चुके, सारी किताबों को उठा ले गए और ये बाजे कि आप फोटो देख लीजिए पोजीशन क्या है, कि ये सब तोड़ के फेंक दिया है और ये कही का परिवार सहित गोली से भून दिया जाएगा अगर यहाँ रामायण पढ़ी तो। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, सब धर्म बढ़िया है, धर्म को इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। विरोध कौन करते हैं? विरोध वहाँ के मामलन करें। ये सब तब हुआ जब दिलशेर अलीगढ़ में अपने घर में रामायण का पाठ कर रहे थे। धमकियां तो पहले भी मिली लेकिन इस बार दबंग घर में ही घुसाए। उसका कहना है कि वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के दौरान उसका पड़ोसी आकर के उसको रोका, दोनों एक ही समुदाय के हैं, उसके साथ मारपीट की, उसके घर धाराओं में व्यूह पंजीकृत करके 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें जेल दिया। दिलशेर की पत्नी बताती है कि वो शौक से रामायण पढ़ते हैं और बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। उन्हें अपना शौक है। उन्हें तो कब से पढ़ रहे हैं वो? 20 साल से। हम तो कुरान पढ़े और नमाज पढ़े खाली। तो वो सिर्फ गीता और रामायण पढ़ते हैं या पूजा पाठ भी करते हैं घर में? वो पूजा नहीं करते हैं, खाली वही पढ़े। तो कभी आपने उनको रोका? ना, हमने काय को रोकेंगे। अब जानकारों से ये समझ लीजिए कि दिलशेर ने जो किया वो क्या इस्लाम की नजर में गलत है। रामायण या गीता का कोई इंसान मुताला करे, अध्ययन करे या उसको पढ़कर देखे तो ये बेसिकली खुद मना इसमें नहीं है। अगर कहीं उसके अंदर शिर्क या खुदा के अलावा पूजा की बात कही जाए तो उसमें वो हिस्सा गलत होगा। सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की पूजा या परस्तिश करना ये मना है, बाकी अध्ययन करना इसमें कोई मना नहीं है, बल्कि इसकी इजाजत दी गई है। यानी बिना किसी जानकारी के दिलशेर का विरोध किया गया, उनसे मारपीट की गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर खबर में हिंदू मुसलमान का तड़का लगाने वाला एजेंडा मीडिया इस असहिष्णुता पर चुप है। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ जब गीता के ज्ञान पर प्रतियोगिता होती है तो मरियम सिद्दीकी चैंपियन बनती है, गीता पर क्विज प्रतियोगिता होती है तो शेख मोहुद्दीन उन्हें जीत मिलती है, डॉक्टर राही मासूम रजा को कौन नहीं जानता है,
आधुनिक युग का वेद व्यास उन्हें कहा जाता है। अमरनाथ गुफा का पता किसने लगाया था? एक मुसलमान ने लगाया था। दिवाली और ईद मिलकर मनाने की परंपरा है। ऐसे देश में दिलशेर के रामायण पढ़ने पर रोक लगाना मजहबी कट्टरता की निशानी है, अज्ञानता है इस्लाम को लेकर। बुखारी शरीफ एक हदीस है, उसके हवाले से एक बात बताती हूं मैं आपको। खुद पैगंबर मोहम्मद ने भी यह कहा था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। मास्टर स्ट्रोक उन तमाम कट्टरपंथियों के लिए, बैर कट्टरपंथियों से रखो, धार्मिक ज्ञान से नहीं।